हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत आई होप इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड प्रिडिक्क द अनप्रडिक्टल यूपीएससी प्री 2024। हम यूपीएससी के प्रीलिम्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये गेम बहुत डिफिकल्ट है पर फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं बेस्ड ऑन रैशनैलिटी रैशनैलिटी का पल्लू पकड़ कर चल रहे हैं ताकि हम सही तरीके से एग्जामिनर का माइंड सेट कर सके ना वट यूपीएससी इज मर्जिंग थीम्स तो इस सीरीज में मैं पहले भी बता चुका हूं किस तरह से यूपीएससी का नेचर चेंज हो रहा है यूपीएससी किस तरह से थीम्स को मर्ज करके पूछ रहा है स्टैंड अलोन थीम पूछ के चीजों को मर्ज करने की कोशिश कर रहा है और इस वीडियो में मैं पॉलिटी से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा किन दो थीम्स को मर्ज करके वो टॉपिक को किस तरह से पूछा जाएगा वो सवाल भी क्वेश्चन भी फ्रेम करने की मैंने कोशिश की है जो मैं आपके सामने रखूंगा और उसका उत्तर आज आप लोग बताएंगे तो ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए समझ लेंगे तो खुद की स्टडी में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा दिस इज ऑल अबाउट कि मैं इस चैनल पर क्या करना चाहता हूं दिस इज द सोल मैं दोलो चीज सिखाना चाहता हूं जिससे वो आप पढ़ाई में इंप्लीमेंट करो लगाओ उस चीज को अपनी पढ़ाई में वो आपको रिजल्ट बढ़िया देगी मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट पढ़ना छोड़ दो मैं आपसे बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से यूपीएससी की को अप्रोच करना है मैं आपको एडिशनल कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपकी प्रिपरेशन में आपको एक्स्ट्रा एज देने के लिए अब बहुत हेल्प करेंगे आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की

2021 में भी सवाल पूछा है कि 26 जनवरी 1950 कहां दिया हुआ है? अगेन बीस में दिया हुआ है। तो 2020 2023, सत्रा, सत्रा, 2020 देखिए 2013, 17, 17, में दो सवाल पूछा 2021 में सवाल पूछा। क्या इसका मतलब है यूपीएससी का एक थीम प्रियम्बल इतना नहीं प्रियम्बल सवाल पूछ सकता मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रियम्बल एक

एक तो 2022 में 2023 में वाइस प्रेसिडेंट धनकर साहब वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये, ये का एक्ट जो ऑनस्टिट्यूशन था उसके ऊपर पूरा, पूरा साथ केशवानंद भारती 1973, तो 1973, बार न्यूज में भी था लेकिन 2023 में सवाल नहीं पूछा बेस स्ट्रक्चर के ऊपर लेकिन 2024 में सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एक दो साल के करंट अफेयर को पूछ लेता है यूपीएससी दो साल करंट अफेयर आराम से पूछता है बल्कि दो साल करंट अफेयर को ज्यादा ही पूछता है करंट ईयर से ज्यादा ही प्रीवियस ईयर के करंट अफेयर्स को पूछने की कोशिश करता है तो क्या आपसे बेसिक बेसिसक्टर डॉक्ट्रिन के बारे में सवाल पूछ सकता है लॉजिक है करंट अफेयर में भी है और इसको 50 इयर्स भी हो रहे हैं तो ये पूछा पूछा जा सकता है लेकिन पूछा कैसे जाएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था प्रियम्बल और बेसिक सेक्टर डॉक्ट्रिन की इस थीम को मर्ज करके सवाल बनाना चाहेगा जैसे कि यूपीएससी प्री दो का ये सवाल मैंने बनाने की कोशिश की है जैसे कंसिडर स्टेटमेंट कोर्ट कैन सिंगलरली रिलाई ऑन दी प्रियम्बल वाइल गिविंग अ जजमेंट ये उसी स्टेटमेंट का दूसरा रूप है जो सवाल पूछा गया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल इफेक्ट है कि नहीं है उस उसी को, उसी उसी फ्रेम को स्टेटमेंट को चेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकता है कि कोर्ट कैन सिगुलर रिलाई ऑन द प्रियम्बल वाइल गिविंग अ जजमेंट एंड दूसरा पूछ सकता है प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द बेस स्ट्रक्चर डॉक्टर प्रियम्बल और बेसिस को मर्ज करने की कोशिश कर सकता है इस सवाल का उत्तर जरूर बताइएगा इसका आंसर मैं टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर दूंगा इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में बताइए और दूसरा सवाल यह है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जजमेंट प्रियम्बल डॉक्टर मैंने सेम स्टेटमेंट दो जगह लिख दिया है ताकि आप इस पर फोकस कर सके किस तरह से एक स्टेटमेंट कुछ और, और एक स्टेटमेंट में प्रियम्बल एंड बेस स्ट्रक्चर को मर्ज करके सवाल पूछा जा सकता है ये दोनों सवालों के जवाब मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बताई ये ये याद रखिएगा कि प्रियम्बल एंड दोनों को मर्ज करके इस बार सवाल फ्रेम करके आपसे इस बार के प्री 2024 पे में पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीएससी का एक जो थीम है जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला है ये थीम्स को मर्ज करने की कोशिश करा आई होप कि आपको समझ में आया कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था और आप इस वीडियो से क्या अपने अंदर लेकर जाएंगे कॉमेंट में इनके आंसर बताइएगा आपको बहुत फायदा होगा ये जानकर कि इनके सवाल के जवाब और यूपीएससी के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उन्हीं के को कैसे चेंज करके यूपीएससी अगेन आपको सवाल बना के फ्रेम करके दे सकता है जहां पर आप फंस सकते हैं लेकिन अगर सही से तैयारी करेंगे सही से पी वाई क्यू को एनालाइस करेंगे तो आप एग्जामिनर का माइंड भी समझ पाएंगे और यूपीएससी प्री दो को क्रैक भी कर पाएंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू नमस्ते जय हिंद